तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब जवान रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम कर रही है अपने रिलीज होने से पहले ही, बल्कि अभी तो फाइनल ट्रेलर आना अभी बाकी है उसके बावजूद। यह दोस्तों बुक माई शो पर इंटरेस्ट रेट लगातार अप होते जा रहे हैं, जो कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स एक फिल्म जिसका अभी ट्रेलर तक नहीं आया है पहले ही हाई हो चुका है, बॉलीवुड इंडस्ट्री का इतिहास ही पलट दिया। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में तो बाहुबली 2 तक के रिकॉर्ड को खदेड़ने की रेस में चल रही है। बाकी KGF और RRR का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी या नहीं, कितने दिनों में पहले 1000 करोड़ कंप्लीट कर लेगी मूवी, पहले 5 दिन में बिग ओपनिंग ले सकती है या नहीं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी जवान से रिलेटेड लगातार अपडेट चाहते हैं और SRK के डाई हार्ड फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। यह दोस्तों जवान आए दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है और नए नए रिकॉर्ड सेट भी कर रही है। यस, हाल फिलहाल की न्यूज है कि बुक माई शो पर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई स्पीड में ग्रो कर रहा है। जहां कल 1 लाख के आसपास इंटरेस्ट रेट था, वहीं आज अभी तक लगभग 130 लाख के आसपास ये इंटरेस्ट रेट हिट कर चुके हैं। इट्स ए बिग अचीवमेंट फॉर जवान की अभी रिलीज डेट सेप्टेम्बर में है, इतना लंबा गैप है उसके बाद भी, और अभी तो ट्रेलर भी नहीं आया है। लेकिन दोस्तों बात अगर ट्रेलर की खुली है तो आपको बता दूँ, ट्रेलर रिलीज डेट देखो अभी तो अनाउंस करी नहीं गई है, लेकिन हाँ मे बी 15 से 20 अगस्त के बीच में आ सकता है ट्रेलर। इसी के साथ सॉन्ग्स की शूटिंग हो चुकी है कंप्लीट और कुछ ही दिनों में एंड ऑफ जुलाई में आपका जवान का एक धमाकेदार सॉन्ग देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नयनतारा और SRK के बीच एक जबरदस्त सॉन्ग सिक्वल तैयार करा गया है। मे बी हो सकता है इन दोनों का सॉन्ग रिलीज कर दें, या फिर दीपिका और SRK की अमेजिंग केमिस्ट्री का बूस्टर लेने के लिए इनका सॉन्ग रिलीज कर दें, कुछ भी हो सकता है, बाद में पता लग ही जाना है। बाकी दोस्तों अमेजिंग अपडेट ये निकल कर आ रही है कि बॉक्स ऑफिस के मामले में ये सबकी फाड़ देने वाली है, इवन बाहुबली 2 के ऊपर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कैसे, देखो 1000 करोड़ का बिजनेस करना ये तो कन्फर्म है जवान का। इसी के साथ अगर मैं टाइम बता दूँ तो बाहुबली द जाइंट मॉन्स्टर, जिसने अपने पहले 10 दिन में ही 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया था, KGF 2 को 16 दिन लगे थे 1000 करोड़ का बिजनेस कंप्लीट करने में, और सेम RRR को भी 16 दिन लगे थे। इसी के साथ पठान ने 27 दिन में ही 1000 करोड़ का बिजनेस कंप्लीट करा था और दंगल ने पूरे 47 दिन लिए थे 1000 करोड़ का बिजनेस अपने खाते में रखने के लिए। दोस्तों जवान को लेकर भी तरह तरह के आंकड़े बिठाए जा रहे हैं। वैसे अगर बाहुबली 2 को खदेड़ने की बात करूं तो 10 दिन में 1000 करोड़ करना मुश्किल तो बहुत है, लेकिन वही बात है ना कि इम्पॉसिबल नहीं है, डिपेंड करेगा पहले 3 दिन में कैसी कमाई करेगी। अगर ओपनिंग सॉलिड रही तो मे बी 15 से 16 दिन में इसे लग जाएंगे 1000 करोड़ कंप्लीट करने में, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अपने पहले 5 दिन में 500 करोड़ का बिजनेस आराम से कर सकती है, और कठिन रहने वाला है आगे के 5 दिन और, अगर वो सही गए तो हु नोज बाहुबली 2 को भी बीट डाउन कर सकती है। दोस्तों आगे और क्या क्या होता है, लेकिन ये आप लोग बताएंगे कि क्या जवान 1000 करोड़ का बिजनेस कर भी पाएगी या नहीं, क्या बाहुबली 2 को रिकॉर्ड भी तोड़ पाएगी या नहीं। फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।